बुली बुली आज सोन के साथ सोन के नानी घर जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। तभी सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं, लगता है ड्राइवर ने हमें देखा नहीं। सोन की बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे सोन तुमने ट्रेन रुकवाया ही नहीं तो वो अपने आप कैसे रुक जाती। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे तुम लोग पागल हो क्या, ये तो एक मालगाड़ी थी, सोन के नानी घर जाने वाली ट्रेन तो अभी तक आई ही नहीं है, बस अब वो आती ही होगी। तभी सोन कहता है, वैसे गुल्ली बुल्ली क्या तुम लोग जानते हो कि मैं हमेशा अपने नानी घर एरोप्लेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मैं अपने नानी घर ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों के पास एरोप्लेन से जाने के पैसे ही नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे खर्च करके तुम दोनों को एरोप्लेन से ले जाऊं। गुल्ली कहता है, चलो सोन अब झूठ बोलना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ इन लोगों की ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन में बैठने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है तो ये लोग ट्रेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ने सारा ट्रेन का टिकट ऑनलाइन करवा लिया है। अब ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ट्रेन कब शुरू होगी। ये लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी ट्रेन शुरू हो जाती है। ट्रेन शुरू होते ही गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जिस ट्रेन में बैठे हुए थे उस ट्रेन में बहुत कम लोग थे, इसलिए ये सारे लोग आसपास ही बैठे हुए थे। इस ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है, ये देखकर सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली इस ट्रेन की सारी लाइटें जल क्यों नहीं रही है। गुल्ली कहता है, हम लोगों को कैसे पता होगा सोन। गुल्ली की ये बात सुनते ही पास बैठा वो आदमी कहता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस ट्रेन में इतना अंधेरा क्यों है। कुछ दिनों पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण इस ट्रेन की सारी लाइटें और पंखे का कनेक्शन बिगड़ गया है, जिसे ठीक करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरा ट्रेन इस ट्रेन के बगल से क्रॉस होता है। ट्रेन की स्पीड को देखकर सोन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली ये ट्रेन तो सुपर स्पीड में चल रही है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे गुल्ली बुल्ली अगला स्टेशन कब तक आएगा। सोन की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग बस अगला स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, तुम चुपचाप बैठे रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। ये बात सुनकर सोन डर जाता है और सोन का मुंह लटक जाता है और थोड़ी देर बाद ये ट्रेन अगला स्टेशन पे आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब पागलपुर स्टेशन पे ये ट्रेन रुक जाती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को यहाँ से दूसरे ट्रेन में बैठकर आगे जाना है। गुल्ली बुल्ली और सोन के ट्रेन से उतरते ये ट्रेन चली जाती है। ट्रेन जाते ही गुल्ली कहता है, अरे सोन और बुल्ली मुझे तो इस स्टेशन में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे सिवाय कोई और है ही नहीं, और देखो जरा ध्यान से ये स्टेशन तो बिल्कुल एक पुराने खंडर की तरह दिख रहा है। गुल्ली की बातें सुनने के बाद बुल्ली और सोन भी इस स्टेशन को देखने लग जाते हैं। स्टेशन को पूरा देखने के बाद सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अरे सोन तुम हमारे साथ हो इसलिए तो हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर कोई भूत या चुड़ैल हमारे सामने आ गए तो हम लोग तो यहाँ से बचकर भाग जाएंगे, लेकिन तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुम तो तेज भी नहीं भाग पाते हो, फिर वो भूत या चुड़ैल तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। बुल्ली की बात सुनते ही सोन कहता है, अरे बुल्ली तुम मुझे डराने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। अगर कोई चुड़ैल या भूत मेरे सामने आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर मारूंगा और उसकी नानी याद दिला दूंगा। और तभी अरे ये क्या, यहाँ एक कुत्ता भौंकते हुए आ जाता है और ये गुल्ली बुल्ली सोन को देखकर यहाँ से वापस भाग जाता है। गुल्ली तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है और कहता है, अरे बुल्ली ये अचानक से सोन कहाँ चला गया यहाँ से। ये बात सुनते ही बुल्ली पीछे पलटकर कहता है, वो देखो गुल्ली सोन उस दुकान के पीछे छुपा हुआ है। अरे गुल्ली बुल्ली वो कुत्ता चला गया क्या। सोन की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ हाँ सोन वो कुत्ता चला गया है। कुत्ता चला गया ये सुनकर सोन तुरंत ही गुल्ली बुल्ली के पास जाने लग जाता है। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे वाह सोन तुम इतने डरपोक हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगता है और हम लोगों को लगता था कि तुम तेज नहीं दौड़ पाते हो, लेकिन सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने पर ही तुम अचानक से गायब हो जाते हो, वाह क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अरे गुल्ली तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं उस कुत्ते से डरा थोड़ी ना था, मैं तो उसे भगाने के लिए पत्थर लाने गया था, लेकिन अभी वो सब छोड़ो, तुम दोनों उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ क्योंकि हमारी ट्रेन उस पटरी पे ही आएगी, तब तक मैं सूसू करके आता हूँ, बहुत जोर की लगी है। बुल्ली कहता है, ठीक है सोन जल्दी जाओ। बुल्ली की बात सुनने के बाद सोन तुरंत ही एक गली के अंदर हल्का होने के लिए जाने लग जाता है। इधर थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और सोन का वेट करने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद सोन हल्का होकर गुल्ली बुल्ली और सोन के पास दौड़ता हुआ चला जाता है और फिर ये लोग ट्रेन के आने का वेट करने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन कब आएगी। तभी इन लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। लगता है इन लोगों की ट्रेन आ गई। जैसे ही ये ट्रेन पागलपुर स्टेशन पर आकर रुकती है तो गुल्ली बुल्ली और सोन इस ट्रेन में बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये लोग ट्रेन में बैठकर ये सोच रहे थे कि इन लोगों ने तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाया ही नहीं है और इन लोगों को भूख भी लगा है और ना ही कोई ट्रेन में कुछ बेच रहा है। अरे ये कौन है और ये अचानक से गुल्ली और सोन के पास कैसे आ गया और ये तो इन लोगों को घूर घूर कर देख रहा है। इस आदमी को अचानक से देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों बहुत डर जाते हैं। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और ये आदमी गुल्ली बुल्ली और सोन को देखता ही रहता है। सोन कहता है, अरे गुल्ली वो आदमी कौन था, मैं तो उसे देखकर डर गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय हमारी ट्रेन चालू हो गई। वैसे वो आदमी दिखने में बहुत ही डरावना था, क्यों है ना गुल्ली। तभी बुल्ली सोन से कहता है, सोन इसमें डरने वाली कौन सी बात है, हो सकता है कि वो कोई भिखारी हो या फिर वो कोई पागल हो, लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, तुम तो एक कुत्ते से भी डर जाते हो। ये बात सुनते ही सोन कहता है, बुल्ली मैंने कहा ना कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, अगर वो पागल इंसान कोई भूत होता तो मैं उसे ट्रेन से बाहर जाकर दो चार घूंसे और चार पांच लात मारकर यहाँ से भगा देता। सोन जैसे ही इतना कहता है तभी, अरे ये क्या, ये बूढ़ा आदमी तो फिर से गुल्ली बुल्ली और सोन के सामने अचानक से आ गया। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो, मैंने सब सुन लिया है, जो मेरे बारे में बात करता है वो मेरे हाथों से मरता है। इस आदमी की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन डर जाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल इंसान अचानक यहाँ कैसे आ गया, कहीं ये कोई भूत तो नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये इंसान सच में पागल है या फिर कोई भूत, ये सब हम लोग पार्ट टू में देखेंगे। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।